हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो डिलीवरी में आपने जो शेयर्स लिए थे उसको किस तरह से आप सेल करोगे या फिर अपनी जो होल्डिंग्स है उसको कैसे एग्जिट किए जाते हैं। स्टॉक मार्केट में दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, उनके साथ एक इश्यू होता है कि वो जब शेयर्स को डिलीवरी में बाय करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि उस पोजीशन से उस होल्डिंग को किस तरह सेल करें, उस पोजीशन से किस तरह से एग्जिट करें। तो आज दोस्तों मैं आपको ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशंस के अंदर लाइव आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप होल्डिंग को एग्जिट कर सकते हो, किस तरह से आप होल्डिंग को सेल कर सकते हो। तो यहां पे मैंने अपने मोबाइल के अंदर ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशंस को ओपन कर लिया हूं। अब दोस्तों यहां से आपको जो डाउन साइड के अंदर एक ऑप्शन दिख रहा है पोर्टफोलियो का, इस पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप यहां देखोगे कि मेरे पास यहां पे मैंने दो शेयर्स को होल्डिंग्स में बाय करके रखा हूँ। आप यहाँ ऊपर देखोगे कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होल्डिंग्स का एक पोजीशंस का। तो होल्डिंग्स के अंदर मुझे यहाँ पे दो शेयर्स मैंने बाय करके रखे थे, आलोक इंडस्ट्री और सद्भाव। तो यहाँ पर मैं ये जो सद्भाव शेयर्स है इसको मैं सेल करने वाला हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो 100 क्वान्टिटी यहाँ पे लिखी हुई है सद्भाव की, और यहाँ पे मुझे कुछ 240 रुपए के करीब में यहाँ पे प्रॉफिट है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इस होल्डिंग को सेल कर सकते हो। वैसे तो मेरा इरादा इसे सेल करने का भी नहीं था, लेकिन दोस्तों एक मुझे आपको स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को एक वीडियो बना के बताने का था कि किस तरह से आप होल्डिंग्स को सेल कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पर जब मैंने सर्च किया तो इस तरह की वीडियो बहुत ही कम है, एक या दो ही वीडियो वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इस पोजीशंस को, इस होल्डिंग्स को आप एग्जिट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे सद्भाव के शेयर्स को सेल करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा एग्जिट का। दोस्तों जब भी आपको होल्डिंग के शेयर को सेल करना है तो आपको पोर्टफोलियो में आकर होल्डिंग्स में जाना है, जो भी शेयर्स को आपको सेल करना है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से एग्जिट का ऑप्शन आना चाहिए। तो एग्जिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पे दोस्तों जितनी भी जो क्वांटिटी आपने ऑलरेडी जो बाय करके रखी है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पे जैसा मैंने सद्भाव जो शेयर्स है उसकी 100 क्वांटिटी बाय करके रखी थी, तो अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो पूरे 100 के 100 यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, या तो फिर मैं चेंज करके 50 भी सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे डिफॉल्ट जो है 100 क्वांटिटी ही मैं यहाँ पे सेल करूंगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पर अभी जो करंट मार्केट प्राइस चालू है 51.40 रुपए का चालू है। आप नीचे यहाँ पर लिमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हो। मैं चाहूँ तो इसको 52 रुपए भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी चाहूंगा कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसी में मैं इसे सेल करूँ। तो मैं यहाँ पे मार्केट को ही रहने देता हूँ, मार्केट ऑप्शन को चूज करता हूँ ऑर्डर में। उसके बाद में यहाँ पे दोस्तों जो प्रोडक्ट के अंदर CNC और MIS, तो इसमें आपको डिफॉल्ट जो CNC रहेगा तो इसे CNC रहने दे, MIS ना करें, क्योंकि आप जो स्टॉक डिलीवरी में आपने होल्ड किया तो डिलीवरी के स्टॉक को जब आप बेचोगे तो वो CNC ऑर्डर ही रहेगा। MIS मतलब इंट्राडे होता है, तो अगर आपने यहाँ पे MIS चूज किया तो वो इंट्राडे ऑर्डर हो जाएगा, वो आपकी एक अलग पोजीशन बन जाएंगी, आपके जो डिलीवरी के शेयर है यहाँ पे सेल नहीं होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में ऑर्डर मुझे मार्केट ही रखना है, और नीचे जो है वेराइटी के अंदर या रेगुलर ही रखना है। उसके बाद में वैलिडिटी डे, बाकी क्वांटिटी में दोस्तों बाकी जो चीज़ें हैं नीचे उसके अंदर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो सद्भाव जो शेयर्स मैंने होल्डिंग्स में बाय करके रखा है तो इसे मैं सेल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी जो है ऑलरेडी मैंने 100 सेलेक्ट करके रखा है, मुझे पूरे 100 बेचना है। प्रोडक्ट टाइप जो है CNC कैश एंड कैरी, होल्डिंग्स के शेयर है इसलिए से ऑर्डर में प्रोडक्ट टाइप के अंदर कैश एंड कैरी रखना है हमें, और ऑर्डर में मार्केट मतलब जो करंट में जो भी मार्केट प्राइस चालू है ताकि मेरा ऑर्डर जल्द से जल्द एग्जीक्यूट हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ही लगाऊंगा। लिमिट ऑर्डर के अंदर आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में नीचे रेगुलर रखना है, वैलिडिटी डे रखना है, डिस्क्लोज क्वांटिटी वगैरह इसे कुछ भी नहीं करना है। और ऊपर आप देखोगे यहाँ पे कि ज़ीरोधा के अंदर एक अच्छा सा फीचर दिया है कि एक्सचेंज दो होते हैं, NSE और BSE। तो ज़ीरोधा के अंदर जब हम कोई शेयर्स को पोर्टफोलियो के अंदर बाय करके रखते हैं तो ज़ीरोधा के अंदर ये बताता है कि जो भी एक्सचेंज के अंदर उस शेयर्स का प्राइस ज़्यादा होगा तो एक्सचेंज के रेट यहाँ पे बताया था। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे ये शेयर मैंने NSE से खरीदा था, लेकिन अब ये BSE के अंदर सेल होगा, क्योंकि BSE के अंदर इसके प्राइस जो है NSE से ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 51.40 रुपए। तो चलिए दोस्तों अब कुछ नहीं करना है आपको, सारी चीज़ें सेट होने के बाद में क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट वगैरह, अब आपको जो नीचे डाउन साइड में ये वाइप टू सेल है इसको आपको जस्ट राइट साइड में वाइप कर देना है, आपका ऑर्डर
कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा जो ऑर्डर है कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे ज़ीरोधा की ओर से मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ के यहाँ पर पोजीशंस के ऊपर क्लिक करना है। पोजीशंस के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पे जो है सद्भाव जो शेयर्स है इसके जो 100 जो शेयर्स है ये आपको माइनस में बता रहा है 100 क्वांटिटी को। यहाँ पे आपको पोजीशन के अंदर आप कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे चाहे आपको कितना भी प्रॉफिट और लॉस दिखे तो ये पोजीशन जो है ये रात तक के आपको उस जिस दिन आपने बेचा उसके रात तक के 9 बजे तक के आपको ऐसे ही दिखेंगे। दूसरे दिन से ये जो पोजीशन है ये सारी क्लियर हो जाएंगी और जो पैसे वगैरह है सब बराबर आपका जो आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। होल्डिंग्स के अंदर जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ सद्भाव के जो शेयर्स है वो पूरे जो 100 शेयर्स है वो बिक चुके हैं, यहाँ पे 0 क्वांटिटी बता रहा है। एक बात और आप ध्यान में रखें कि जब भी आप होल्डिंग के शेयर्स को एग्जिट करो या सेल करो तो होल्डिंग्स पर जाके चेक कर लो कि वहाँ पे 0 क्वांटिटी बता रहा है या नहीं। अगर 0 क्वांटिटी नहीं बता रहा है तो मतलब आपने कुछ ना कुछ गलती की है, आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, क्योंकि जब हम होल्डिंग के शेयर जब सेल करेंगे तो होल्डिंग्स के अंदर हमें 0 क्वांटिटी बताना ही चाहिए। उसके बाद पोजीशन में चेक करिए, 100 क्वांटिटी यहाँ पे माइनस में बता रहा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई मैंने होल्डिंग से जो शेयर सेल किया और ये पोजीशन में ये क्या बता रहा है। ये पोजीशन दिन भर ऐसी चलती रहेंगी और रात दूसरे दिन ये ऑटोमेटिकली सब पूरा डेटा जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आपको ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर में देखना है आपको एग्जीक्यूट हो चुका है सद्भाव के जो हमने 100 शेयर सेल किए थे करंट प्राइस पे 51.14 रुपये पे वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने जो होल्डिंग्स हैं जो पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो में आपके जो शेयर्स आपने रखे हुए हैं तो किस तरह से आप सेल कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।